बैक टू माई चैनल। और आज हम लोग बनाएंगे बैंगन का भरता। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है ये रेसिपी। तो बहुत ही इजी है इसको बनाना। हम बताएंगे गैस स्टोव पे कैसे बना सकते हैं इजीली, और ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता है, और आप इसे किसी भी चीज़ के साथ, रोटी पराठे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे दो बैंगन ले लिया है, ये बड़े और जो गोल साइज़ के बैंगन होते हैं वो वाले बैंगन हैं। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल। हम इसके ऊपर लगाते हैं ऑयल। तो ये ब्रश ले लिया मैंने और इस ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगा दिया है। नाउ अब हम लोग को क्या करना है, इसमें नाइफ की हेल्प से इसमें छोटे छोटे छेद करने होंगे। यहाँ पर मैंने छेद करके इसमें हम लोग को जो लहसुन होता है, गार्लिक होता है, उसके जो क्लोव्स होते हैं उसको इसमें टक कर देना है, अंदर घुसा देना है, इसलिए कि अपना ये फ्लेवर इसमें ट्रांसफ़र कर दे। जो लहसुन होता है वो अपना फ्लेवर इसमें ट्रांसफ़र कर दे और मीनवाइल ये भी पक जाए लहसुन भी। तो ये आपको इस तरह से इसमें टक कर देना है। नाउ इट्स डन। अब हम चलेंगे स्टोव पे। अब यहाँ पे हम लोग स्टोव को ऑन कर लेंगे और ये बैगन को इस तरह हम लोग होल्ड करेंगे और इस पर इस तरह से रख देंगे और उसी तरह से हम अपना दूसरा बैगन भी पका लेंगे। तो इसको पकने दीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका भरता कैसे बनाना है। सो जैसा कि देख सकते हैं आप, सो एज़ यू कैन सी दैट ये हमारा बैगन हो गया है और मैंने इसको पलट दिया था इस तरह से, इसलिए कि चारों तरफ अच्छे से हो जाए और मेरा दोनों बैगन साथ साथ में हो रहा है। तो इसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 से 4 मिनट का, और उसके बाद ये पूरी तरह से हो जाएगा। बैगन हो चुका है हमारा। अब इसको गैस को फ्लेम कर देंगे ऑफ और बैगन को रखेंगे ये कूल डाउन हो जाए। तो कुछ देर के बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसका भरता कैसे बनाना है। तो ये बैगन टोटली कूल डाउन हो चुका है और इसको भी चेक करेंगे हम कि ये पूरा से पका हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे हम नाइफ़ अगर स्मूथली चला जाता है तो यानी ये अच्छे से पक चुका है, और जो हमने लहसुन इसमें डाले थे ये भी अच्छे से पक चुके हैं। तो चलिए इसको छील लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम इसको थोड़ा सा ऐसे काट के इसमें चेक कर लेंगे कि इसमें कीड़े हैं कि नहीं, क्योंकि बैगन में बहुत कीड़े पाए जाते हैं। तो इसमें कोई भी कीड़ा नहीं है, इसको छील के और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस बताते हैं। और बहुत ही इजीली पील ऑफ हो जाएगा, ये इसका जो पील है ये बहुत ही जल्दी रिमूव हो जाएगा। ये बैगन अच्छे से हमने छील लिया है, इसमें हम मिलाएंगे धनिया, ये बारीक कटी हुई है, उसके बाद थोड़ी सी मिर्ची काट लेंगे, और उसके बाद हमने इसमें टमाटर और प्याज छोटे छोटे कटे हुए लिए हैं। इसमें जाएगा सरसों का तेल 1/2 टेबल स्पून और सॉल्ट जाएगा एज पर योर टेस्ट।
और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे हम। बस अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको। और ये हमारा बैगन का भरता तैयार है, रेडी टू ईट है। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस के लिए, और अगर ये बैगन का भरता आपको पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा। तो मैश करके मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखा देती हूँ।